मिले हुए भाजपा की बी टीम सपा है। बहन जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं भाजपा के साथ में, मतलब मैं राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन मैं भाजपा के साथ कभी भी इस तरह का गठबंधन या मेरे मिलाव नहीं करूंगी। मैं एक फ़कीर आदमी हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गरीब आदमी हूं, लेकिन मेरे पास, मेरा उद्देश्य धन संचय करना नहीं है। अगर मैं पैसा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति होता तो मैं पार्टी के बाहर ही नहीं होता। दूसरी बात, बहन जी ने मुझको पैसे दिए थे जेब खर्चे के लिए, मैं वो तक बहन जी को वापस करके आ गया था, वो झूठ है। बहन जी ने काफ़ी बार कहा है कि मैं, मेरा संबंध दूर दूर तक भाजपा से नहीं है। कर्मी ये बोल भी रहे हैं कि आपकी बात वो गलत थी, मिश्रा जी के बारे में कई पोस्ट देखी हैं कि वो बात गलत थी, तो हो सकता है उन्होंने अपने बचाव में आप लोग को वो क्या जवाब दें इसलिए उन्होंने ये बात बना के बोली हो, बल्कि ऐसा कुछ नहीं। बच्चा या तो माँ पे जाता है या बाप पे जाता है, मम्मी पे जाता है, पापा पे जाता है। तो बच्चा जो है, उनकी जो मम्मी है ना सोनिया गांधी जी, वो इटली की हैं, तो वो राहुल गांधी जो हैं वो अपनी मम्मी पे चले गए हैं, तो इसकी वजह से उनका जो खून है ना वो वहाँ से मिलता है विदेश से। तो जो लोग पैसा कमा के जाते हैं यहाँ से, वो तो लोग खुद उल्टा बहन जी पे या इन नेताओं पे एलिगेशन लगाते हैं कि पैसे की वजह से, हमको पैसे की डिमांड थी इसलिए हमको निकाला। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। तो जो पैसे, वही व्यक्ति एलिगेशन लगाता है जो व्यक्ति खुद लिप्त होता है उस चीज़ के अंदर। तो मैं, पैसे का मेरा दूर दूर तक कोई वो नहीं था। मुलायम सिंह यादव जी का, नेताजी का जो संबंध है वो भाजपा से है। उन्होंने अपने उसमें कहा कि भाई हम लोग, हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ में बैठे हैं बीएसपी के जयप्रकाश सिंह, जो चुनावी हार के बाद भी, जिस तरह से बीएसपी की करारी हार हुई उसके बाद भी जो है जनसभाएं कर रहे हैं बीएसपी को मजबूत करने के लिए, ये प्रेरणा कहां से मिलती है सर? ये प्रेरणा सर हमको मिलती है साहब कांशीराम जी से। साहब कांशीराम जी ने इस मोमेंट को पाताल से निकाला और ज़मीन पर लाने के बाद काफ़ी ऊँचाई तक वो लेकर के गए। तो जब माननीय साहब कांशीराम जी इतनी विपरीत परिस्थितियों में टूटी हुई चप्पल पहन करके साइकिल पे चल करके 40,000 किलोमीटर साइकिल चला करके इतना बड़ा मोमेंट खड़ा कर सकते हैं, आज छोटी मोटी जो शिथिलता आई है इस मोमेंट में, तो हमने साहब कांशीराम जी का जो अध्ययन किया उससे समझ में आया कि जब वो उन परिस्थितियों में कर सकते हैं तो आज हम लोग 15,000 रुपये का जूता पहनते हैं और इनोवा गाड़ी में चलते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये प्रेरणा जो है वो माननीय साहब कांशीराम जी से मिलती है। जो है बीएसपी के हार के बाद काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि मनोहर साहब का जो मिशन था वो बीएसपी बेच का ही है, इसलिए इतनी करारी हार हुई है, क्या सही है सर? देखिए, बेचना सब तो खैर जायज़ नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, साहब कांशीराम एक बात कहा करते थे, हालांकि उसको समझने वाली बात है, उसका इंटरप्रिटेशन अगर देखा जाए तो साहब कांशीराम कहते थे कि जिससे संघर्ष है उससे समझौता नहीं और जिससे समझौता हो गया उससे संघर्ष नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी ब्राह्मण समाज के खिलाफ थे, वो इस व्यवस्था के खिलाफ थे। तो साहब कांशीराम के समय भी जो है ब्राह्मण समाज के लोग एक्टिव थे, बलरामपुर से टिकट दिया साहब कांशीराम जी ने और भी हमारे क्षेत्र के कई ब्राह्मण नेताओं को शामिल कराया, लेकिन लोगों ने इस समय सोचा कि जैसे कि ज़्यादा इंटरफेरेंस चल रही है, तो उसको लेकर के फिर लोगों को थोड़ा निराशा आई है जो मुझको जानकारी मिली है फील्ड में जाने के बाद। तो जो है बेच खाई वाली बात तो खैर जायज़ नहीं है। बहन जी ने जो काम किए हैं वो बहुजन मूवमेंट पे ही किए हैं, अगर देखा जाए तो बहुजन मूवमेंट से भी बड़ी चीज़ एक होती है मानवता वाली बात। तो बहन जी ने जो काम किए हैं वो साहब कांशीराम जी के जो प्रोजेक्ट थे, ड्रीम प्रोजेक्ट थे, उन्हीं पे काम किया है, तो बेच के खाने वाली बात जायज़ नहीं है। देखा जाए तो जो है कभी ना कभी बीएसपी 4 बार जो है सत्ता में आई है, अब की बार जो है एक ही सीट पर सिमट गई और वोट परसेंट जो है 12% बटे, किसकी कमी है सर? देखिए, ये वास्तव में ये दुख का विषय है और हम लोग ज़्यादा समय तक झूठ बोलते रहेंगे, अपने नेता को हम लोग सही जानकारी नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हो सकता है गलतियां और होती रहें, तो इसलिए दिक्कतें रही हैं। जो जानकारी जो हमको मिली है, इस बार काफ़ी जगह पर बूथ भी नहीं लग पाए हैं, अब की बार जो टेबल जो लगती है स्कूल के बाहर, बूथ के बाहर, वो तक नहीं लग पाई हैं। और जो कैंडिडेट को जो टिकट देने के बाद जो उसको फ्री छोड़ दिया गया, मतलब जब तक उसको टिकट दिया गया तब तक तो वो उसके साथ रहे हम लोग, हमारे पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन बाद में उसको, उसकी तरफ झांके भी नहीं। जो मैं घूमा हूँ पूर्व उत्तर प्रदेश में, कैंडिडेटों ने कहा कि सर ये तो जब से टिकट हुआ है तब से ये झांके ही नहीं हमारी तरफ, तो उनको एक तरफ ऐसा छोड़ दिया, उन्होंने ऐसे लगा कि जैसे हमारे ऊपर कोई बोझ है चुनाव लड़ना।
तो वो अपने आप में बड़ा इनसिक्योर महसूस करने लग गए। इस चक्कर में उनको संगठन भी नहीं मिल पाया, उनको जो है फील्ड में जो है उनको जो संगठन भी नहीं मिल पाया, मतलब बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी ठीक से नहीं मिल पाई। तो ये सब कारण रहे हैं हमारी जो है उसके। तो इसलिए आपका सवाल क्या था जिसका मैं जवाब दे रहा था, चार बार बीएसपी हाँ, सत्ता में आया सरकार, अब की बार एक ही सीट पे ठीक हाँ। तो ये सारी कमियां रही हैं और जो है समाज का जो नीचे का जो व्यक्ति है उनका ये कहना भी है कि भाई हमको प्रायोरिटी में जो है जीत देखनी चाहिए, समीकरण देखना चाहिए, जीत देखनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ आपका हो सकता है। तो ये कुछ कमियां रही हैं, इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ हमारे कार्य पदाधिकारी की भी कमियां रही हैं, हम लोगों की भी कुछ कमियां रही हैं। समर्थक जो है सीधा सीधा डायरेक्ट ट्वीट भी करते हैं, लिखते भी हैं और जो है अपना विरोध भी दिखाते हैं कि यहाँ पे कमी जो है कोऑर्डिनेटरों की है, जहाँ तक कि कोऑर्डिनेटर को जो है उल्टा सीधा लिखते भी हैं। हाँ देखो, कोऑर्डिनेटर्स की कमी तो ये है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि उन्होंने टिकट दिया और छोड़ दिया, तो उस पर एक तरह से बोझ महसूस हुआ उस व्यक्ति को, तो वहाँ भी दिक्कत आई है। और जो है हमारी जो बूथ कमेटी सेक्टर कमेटी जो हमारी कंप्लीट नहीं मिली है, तो उससे भी दिक्कत आई है। जिसका बाहर बस्ता नहीं मिलेगा आपको बूथ के बाहर, और उस बस्ते के ऊपर जो है भीड़ नहीं होगी, साहब कांशीराम कहते थे यहाँ वहाँ से जो भी कुछ है, जो भी वोट डाल के आता रहे अंदर से, वो बाहर आके टेबल पर खड़ा होता रहे, भीड़ लगा वहाँ पर, उससे माहौल बनता है। भाजपा के लोग यही तो करते हैं, वो अपने लोग को बुला करके वहाँ पे भीड़ लगाते हैं टेबल पे, उससे माहौल बनता है। तो इसी प्रकार से जो है कुछ कमियाँ हमारी जो है, जैसे आपने बताया प्रभाई जी उनके बारे में, तो कुछ कमियाँ रही हैं, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। आप पार्टी से बाहर हैं फिर भी जो है मानवर कांशीराम की तरह जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो किस तरह से जो है वोट को एकत्रित कर रहे हैं, किस तरह से बीएसपी को पुनः लाएंगे? देखिए मेरी जो है ये तैयारी है, मैं जब पार्टी से बाहर निकला था तो तभी से मुझको मालूम था कि अगर मैं बीएसपी को और मिशन को बचा सकता हूं तो पार्टी के बाहर रह कर के ही बचा सकता हूं, पार्टी के अंदर जाकर के मैं उसका एक हिस्सा बन जाता, तो बाहर ये काम नहीं हो पाता। जो हमने इस समय जो समाज में एक मैसेज है कि भाई अभी भी जो है उम्मीद है कि हो सकता है बहन जी के बाद जो है जयप्रकाश इस मिशन को इस पार्टी को आगे चला ले, तो ऐसी गिनती शुरू हो गई है इस समय। तो इसलिए जो है हमने जो है ये तय किया है कि बेशक हम पार्टी के बाहर रहें, पार्टी के बाहर रह करके लोगों को बाद में आभास होगा कि जयप्रकाश ने पार्टी के बाहर रहने का फैसला क्यों लिया। ऐसा नहीं है कि मैं बीएसपी में नहीं जा सकता, बीएसपी का कोई रास्ता मैं नहीं निकाल सकता अंदर जाने का, लेकिन मुझको मालूम है कि अंदर जाकर के मैं बीएसपी को बचा नहीं पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं पार्टी के बाहर हूँ। और प्रेरणा की बात आपने जो कही या जो भी कुछ है, इसीलिए मैं जो है मैं पार्टी और मिशन के पक्ष को उनकी उनको ध्यान रखते हुए उनकी उनके फ्यूचर को ध्यान रखते हुए मैं पार्टी के बाहर रह कर पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, सभी को पता है कि आपको बीएसपी से बाहर किया गया, तो एक इंटरव्यू आप बयान था कि राहुल गांधी को आप विदेशी कहते, लेकिन कुछ ही दिनों पहले जो है सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बैठक बुलाई थी मीडिया कर्मियों की, तो वहाँ पर खुले मंच से जो है फेस टू फेस उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी को इसलिए बाहर निकाला गया कि पार्टी के पैसे का फंड का जो गायब करते थे। हाँ हाँ हाँ, ये तो बात मैंने काफ़ी आपके मीडिया साथियों से मैंने सुनी है। और जो है देखिए मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा उद्देश्य धन संचय करना नहीं है। अगर मैं पैसा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति होता तो मैं पार्टी के बाहर ही नहीं होता। दूसरी बात, बहन जी ने मुझको पैसे दिए थे जेब खर्चे के लिए, मैं वो तक बहन जी को वापस करके आ गया था। और जो है अगर मैं जिन जिन लोगों से मैंने अपने काम चलाए हैं अभी तक, तो पैसा अगर मैं कमाने वाला व्यक्ति होता तो वो दिख जाता, लेकिन मैंने पार्टी से निकलने के बाद किस किस के हाथ पैर जोड़ करके अपने आप को यहाँ तक मैं लेकर के आया हूँ, तो वो झूठा एलिगेशन है ये जो है ना। और जिन लोगों जो लोग पैसा कमा के जाते हैं यहाँ से, वो तो लोग खुद उल्टा बहन जी पे या इन नेताओं पे एलिगेशन लगाते हैं कि पैसे की वजह से हमको पैसे की डिमांड थी इसलिए हमको निकाला, लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। तो जो पैसे वही व्यक्ति एलिगेशन लगाता है जो व्यक्ति खुद लिप्त होता है उस चीज़ के अंदर। तो मैं पैसे का मेरा दूर दूर तक कोई वो नहीं था, मैं तो आज भी समाज से पैसे से कमा करके ही मैं करता हूँ। और पैसे कमाने वाला व्यक्ति अगर मैं होता है, पैसे से अगर मैं लगाव होता, तो मैं 4 साल समाज में चल के अपना स्थान नहीं बना पाता। तो इसी बात से प्रूफ हो सकता है। रही बात पैसे की, मैंने पार्टी के लेवल से मैंने अब तक कोई पैसा नहीं कमाया ना लिया है किसी से। कोई बता दे मुझे, एक व्यक्ति अपना लाइव आकर के मुझे ये बता दे कि जयप्रकाश को मैंने इतना पैसा दिया है, मैं खुला चैलेंज करता हूँ। हाँ, पार्टी से अलग जो है
जो पार्टीज को जो इंटरेस्टेड जो लोग थे, समर्थक लोग थे, उनसे मैंने बाद में विनती करी कि आप मुझे गाड़ी दिलवा दो, मुझे पैसा दे दो। तो इस तरीके से लगभग 6 करोड़ रुपया हमारा अब तक खर्च हो चुका है। लगभग 1 करोड़ से ऊपर तो यात्रा में खर्च हुआ है, लेकिन समाज ने हमको पैसा दिया है। तो इसलिए हमको ये निराधार झूठ है, ये गलत है। इस बात के लिए सारे मीडिया कर्मी बोल भी रहे हैं कि आपकी बात वो गलत थी। मिश्रा जी के बारे में कई पोस्ट देखी हैं कि वो बात गलत थी। तो हो सकता है उन्होंने अपने बचाव में आप लोग को वो क्या जवाब दें, इसलिए उन्होंने ये बात बना के बोली हो, बल्कि ऐसा कुछ नहीं। सर, अगला सवाल यह है कि किस बेस पे आप जो है राहुल गांधी को विदेशी बोले थे, जिससे जो है बसपा पार्टी भी मुखिया जो है आपको बाहर कर दी थी। देखिए, मैंने ये कहा था कि बच्चा या तो माँ पे जाता है या बाप पे जाता है, मम्मी पे जाता है, पापा पे जाता है। तो बच्चा जो है, उनकी जो मम्मी है ना सोनिया गांधी जी, वो इटली की हैं। तो वो राहुल गांधी जो हैं वो अपनी मम्मी पे चले गए हैं। तो इसकी वजह से उनका जो खून है ना वो वहाँ से मिलता है, विदेश से। तो जब आदमी के जो जीन्स में जो है वो चीज़ नहीं होगी, तो इस देश की राजनीति में वो सफल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो इसको समझ ही नहीं सकते। अगर जिस देश में आपको राजनीति करनी हो, उस देश की सोशल स्ट्रक्चर पर आपकी समझ और पकड़ होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। वो हो नहीं पा रहा है, वो आज तक भी प्रूफ है। तो इसलिए मैंने कहा था कि वो अब भारत की राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकते, वो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब छोड़ दें। तो इसलिए सबसे अच्छा जो विकल्प है एंटी मोदी जी, वो बहन मायावती जी हैं, ये बात मैंने कही थी। तो मैंने कोई बच्चा किस पे जाता है उस आधार पर मैंने कहा था। जी सर, अभी सर आपने की प्रधानमंत्री वाली बात, जो है अभी लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और मीडिया भी दिखा रहे हैं कि बहन जी जो है राष्ट्रपति बीजेपी बनाएगी, वो झूठ है। बहन जी ने काफ़ी बार कहा है कि मेरा संबंध दूर दूर तक भाजपा से नहीं है। देखिए, अगर संबंध भाजपा से है, जो ओपन दिखता है, वो उसको लोग नहीं बोलते। मुलायम सिंह यादव जी का, नेताजी का जो संबंध है वो भाजपा से है। उन्होंने अपने उसमें कहा कि भाई हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, आपको शायद जानकारी होगी। और उनकी जो वाइफ है, उनको बहू जो है उनकी लड़की अपर्णा, वो खुद उन्होंने उसको ज्वाइन किया है। अभी वो जो उनकी शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी वे लोग गए, अभी भी बधाई देने के लिए गए। सुनने में आ रहा है कि अब जो शपथ लेंगे तब भी जाएंगे। तो उनका तो आना जाना है, आना जाना क्या, उनकी तो रिश्तेदारियाँ हैं। तो मिले हुए भाजपा की बी टीम सपा है। बहन जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं भाजपा के साथ में, मतलब मैं राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन मैं भाजपा के साथ कभी भी इस तरह का गठबंधन या मेल मिलाव नहीं करूंगी। तो ये झूठी अफवाह है। या ये कुछ दिन के बाद बहन जी के इस स्टेटमेंट से या जो चल रहा है उससे लोगों के दिमाग में ये बात चल भी जाएगी पता कि भाई बहन जी ने सही कहा। मिली हुई एक ट्रेंड चलाया गया सर आपको लेकर कि जिस तरह से बीएसपी की करारी हार हुई है उसके बाद जो है जयप्रकाश जी आपको जो है बीएसपी में वापस लिया जाएगा, क्या सही है क्या नहीं सही? देखिए, ये लोगों की चाहत है, इसको ना आप ख़त्म कर सकते हैं ना मैं ख़त्म कर सकता हूँ। कोई व्यक्ति एक्स वाई जेड को चाहता है कि भाई जयप्रकाश की वापसी हो, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, वो उनकी चाहत है, बात जायज़ है। उनको लगता है कि भाई जयप्रकाश फील्ड में आज भी काम कर रहा है, उसी बीएसपी के झंडे को लेकर के चल रहा है, तो ये लोगों की चाहत है, मांग उनकी जायज़ है। वापसी होना ना होप्स होना, ये तो बहन जी के जुडिक्शन का मामला है, लेकिन मांग उनकी जायज़ है। और मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि चाहे बहन जी मुझको वापस लें चाहे ना लें, लेकिन मैं इस मिशन पार्टी को छोड़ करके नहीं जाऊँगा। तो जिन लोगों ने ये ट्रेंड चलाया उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से बीएसपी की करारी हार हुई है, अगर पार्टी में बदलाव नहीं करते हैं तो क्या होगा आगे की राजनीति में? देखिए, अगर बदलाव नहीं हुए और इस पर स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई है, सभी समाज में से नेता निकाल करके उसको अगर हमें तैयार नहीं किया गया, तो हो सकता है लोकसभा का चुनाव हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। इस बात को हमको मानना पड़ेगा। अगर हम कमज़ोर दिख गए तो बेस वोट भी खिसक सकता है, तो इसलिए हमको मजबूत दिखना होगा, जिससे कि बेस वोट के साथ साथ हम लोग बताएंगे लोगों को कि भाई इस गेहूँ चावल के चक्कर में, नमक आटे के चक्कर में आप लोगों ने जो अपना वोट दिया है, वो जो पैसा जो कटा है वो आपकी एजुकेशन रोज़गार से कटा है, वो वहाँ से कट के तुमको भिखारी बनाया जा रहा है, स्वीट पोइजन उसमें दिया जा रहा है। और इस प्रकार से आप आगे जाकर के आप लोग मानसिक रूप से गुलाम बन जाएंगे, उसके बाद शारीरिक रूप से बन जाएंगे। तो हम सभी समाज के लोगों को समझाने का काम करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग 2024 में अच्छा प्रदर्शन दे पाएँ बहुजन समाज पार्टी। लाखों युवा करोड़ जो बसपा के समर्थक है आपसे प्रेरणा लेते हैं कि आप बीएसपी से बाहर रह करके जिस तरह से मानवर कांसीराम साहब का जो है कैडर लेकर चलते हैं, तो कहाँ तक लेकर चलेंगे? देखिए, मैंने कहा है कि मैंने साहब कांसीराम जी से प्रेरित होकर के मैंने घर छोड़ा है अपना।
मैंने साहब को जब मैंने देखा पढ़ा सुना समझा तो साहब कहाँ से राम जी के तीन वचन थे जो मुख्य थे, बाकी तो बहुत सारे हो सकते हैं। 22 पेपर का वो लेटर था अपनी माता जी के लिए, शादी नहीं करूँगा, घर वापस नहीं जाऊँगा और धन संचय नहीं करूँगा। मैंने इन तीनों को अक्षर से पालन किया है, शादी नहीं करूँगा, घर वापस नहीं जाऊँगा, ना मैं आज तक गया हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि तू अपने घर चला जा पार्टी से निकलने के बाद, मैंने कहा नहीं, मर जाऊँगा नहीं जाऊँगा, आज मैं जिंदा हूँ और मैं धन संचय नहीं करूँगा। ये तीनों जो है जो स्टेटमेंट थे साहब के, उनको मैं फॉलो करूँगा और साहब कांसीराम जी के बनाए हुए रास्ते को फिर से हम लोग तैयार करेंगे। और जो अनकैडराइज, जब से ये कैडर बंद हुआ है, जो यूथ जो आया है ना, ये तब से आया है जब से ये कैडर बंद हो गए हैं, तो अब फिर से कैडर शुरू किए जाएंगे। मैं स्टडी कर रहा हूँ कि किस किस बिरादरी ने किस किस पार्टी को क्यों क्यों वोट दिया, इसके लिए मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश से। उसके बाद हम इसको जाकर के दिल्ली के हम बैठेंगे, टीम बुलाएंगे बुद्धिजीवी लोगों की, उस पर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में उसका निष्कर्ष निकाल करके हम कैडर के रूप में देंगे। और उसके बाद फिर पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बना करके फिर हम उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टेट में भी जाएंगे। तो हम लोग जो है उनको प्रेरणा बहुत से लोग लेते हैं इस बात के, लोग वो लोग बोलते हैं कि भाई जयप्रकाश पार्टी के बाहर रहते हुए भी जिनको बहन जी ने 100, 200, 500, 500, 1000 करोड़ का मालिक बनाया वो लोग छोड़ के चले गए, लेकिन जयप्रकाश छोड़ करके नहीं गया। तो प्रेरणा लेते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कयास लगाया जा रहा है कि मायावती अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश आनंद जी को बनाएंगे युवा यूथ आइकन देखकर, क्या लगता है सर, ये सही रहेगा, वोट किसके गए? मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये जो चुनाव जो हुआ है ये बहन जी के और आकाश के और मिश्रा जी के नेतृत्व में हुआ है और उसमें हमारा 10% वोट खिसक गया जो बेस वोट है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि बहन जी आकाश को अध्यक्ष बनाएंगी या इस मोमेंट का वारिस घोषित करेंगी। माननीय बहन जी ने कई बार कहा भी है कि भाई हमारे जो है समाज का होगा लेकिन जो है मेरे परिवार का नहीं होगा। आजकल बच्चे फेसबुक पर डाल भी रहे हैं, किताब पे अंडरलाइन करके उस पेज पे, कि बहन जी ने खुद कहा है कि परिवार का नहीं होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि बहन जी जो है आकाश को ऐसा करके जो है इस मूवमेंट को जो है नुकसान पहुंचाने का काम करेंगी। बहन जी मूवमेंट की हैं और मूवमेंट को कभी धोखा नहीं दे सकती। मायावती ने जो है सतीश चंद्र मिश्रा को स्टार प्रचारक के रूप में ब्राह्मण सम्मेलन करवाया, ये करवाया, योग करवाया, जो भी है 12% वोट जो था जो है घट गया है और ब्राह्मण वोट एक भी नहीं मिला, क्या कहेंगे सर? देखिए हर एक आदमी, ये राजनीतिक एक जो है एक्सपेरिमेंट होता है। बहन जी ने 2007 में करने का प्रयास किया, सफल हो गए, आगे नहीं हो पाए। हम लोग इस बार और प्रयास किया तो हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन ये नहीं है कि अब कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। अब बहन जी ने खुद कहा है कि मैं कैडर बेस लोगों को बुलाऊंगी और उनको काम पे लगाऊंगी, तो कैडर बेस जो कार्यकर्ता हैं, तो अब बहन जी एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट था और हर एक एक्सपेरिमेंट सफल हर समय हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। आखिरी सर सवाल ये है कि युवाओं के लिए क्या कहें, क्या संदेश? देखिए मैं ये निवेदन करूँगा कि अगर आप लोग घर बैठ गए तो ये मिशन बिखर जाएगा, ये मिशन बिखर जाएगा। तो ये कांग्रेस और ये भाजपा और अन्य जो पार्टियां हैं ये बसपा को ख़त्म करना चाहती हैं, जिससे कि ये कोर वोट जो है ये दलित है, ये एससी है, ये मुस्लिम है, ये जो वोट जो है ना, ये कोर वोट जो है इनका, इस प्रकार जो दो टाइप का जो वोट है ये कांग्रेस में चला जाए और अन्य उधर चल जाए। तो कांग्रेस और भाजपा की पाली चलती रहे, एक बार हम एक बार हम, जैसे आउट ऑफ उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो इसलिए जो है, और ऐसा हो गया तो फिर हम लोग फिर से गुलाम बन जाएंगे, ये पूरा देश गुलाम बन जाएगा। तो इनके जो प्लानिंग है उसको हमको काउंटर करना है। देश को बचाने के लिए आपको अपना समय निकालना होगा, संसाधन आपको जुटाने पड़ेंगे। आपसे हम ये निवेदन करते हैं हर एक जाति के। सर एक मुद्दा और याद आ गया EVM को लेकर जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 4 राज्यों में नहीं बना पाई और उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक नहीं जीता पाई, और वहीं देखा जाए तो कहा जाता है कि जो है भाजपा और आम आदमी पार्टी जो है सौदा कर ली थी कि EVM को लेकर, क्या सही है क्या नहीं सही है? देखिए हम इसको टोटली दरकिनार नहीं कर सकते कि EVM में गड़बड़ी नहीं है। EVM में तो गड़बड़ी है, लेकिन हम जो लोग हैं टोटल EVM के ऊपर गड़बड़ी थोप करके हम लोग अपने कामों से बचें तो ये भी ठीक नहीं है। वोट दिया गया है, हर एक बैदरी ने उनको वोट दिया है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, उस हिसाब से दिया गया है। तो इसलिए जो है हमको इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारी भी कमियां रही हैं। तो छोटी मोटी कुछ गलतियां EVM में हुई हैं, लेकिन उससे बड़ी गलती ये रही है कि हमारी कोई ठोस तैयारी नहीं थी। हम तो इस केवल क्या करते हैं
केवल कैंडिडेट पर डिपेंड हो जाते हैं। कैंडिडेट हम सेट करेंगे, बाकी वो जाने उसको काम जाने। लेकिन आपको इस संगठन का जो काम है, जो मजबूती जो दिखनी चाहिए, जो आरएसएस के पास में हज़ारों संगठन काम करते हैं, हमारा इस प्रकार से कोई संगठन ऐसा नहीं है एक्सक्लूडिंग बीएसपी। और भी तो हमें काम करने चाहिए थे, तो इसलिए जो है ना ईवीएम में तो गड़बड़ी है जो भी जो दिखी है, लेकिन साथ में जो है सबसे बड़ी बात है कि हम लोग काम नहीं कर पाए थे। हमारे साथ में जो है पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएसपी के जयप्रकाश सिंह मौजूद थे, इनसे खास बातचीत हुई जो है बीएसपी को कहाँ ले जाना है कहाँ नहीं ले जाना। इसके साथ चैनल को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें।